हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जामपुर। आप सभी लोगों का एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जल्दी से आप लोग सभी लोग सेशन के साथ में जुड़ जाइए, सेशन शेयर कर दीजिए। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोल के महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर करेंगे और इसके करते हुए आगे की तरफ। जैसे आप देखो यहाँ पर कि आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके दिखाई पड़ रहा है। ये क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। वार उत्तर पूर्वी भारत में पूर्वी हिमालय के बाढ़ के मैदान एवं क्षेत्र है। दूसरा है, द्वार स्थलाकृतियों का उपयोग विशेषकर चाय बगान लगाने के लिए जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है, यानी उपयुक्त में कौन सा कथन। अब आप सभी लोगों का इनको इन दोनों कथनों पर विचार करने की आवश्यकता है। इन दोनों कथनों के बारे में आपको विचार करने की आवश्यकता है और ये है कि इनमें से कौन सा कथन, विच स्टेटमेंट करेक्ट, यानी इनमें से कौन। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द्वार इज अ फ्लड प्लेन एंड द फुट हिल्स इन हिमालयस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द्वार टोपोग्राफी आर यूजुअली फॉर द सेटिंग ऑफ टी गार्डन्स, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा हिमालयन रीजन, अगर हम लोग हिमालयन रीजन की बात करते हैं तो हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है, और आपको ये पता है हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल, यानी हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। और ये जो वलित पर्वत है, इसका मतलब इन पर्वतों में पाए जाते हैं तरीके से, ठीक है। तो ये जो घाटियां होती हैं, और इस हिमालय के क्षेत्र लंबवत घाटियां पाई जाती हैं, और उन लंबवत घाटियों का जो लंबवत longitudinal valleys होती है, घाटी क्या बोलते हैं, longitudinal valleys। ये जो longitudinal valleys हैं, जिसको vertical valley भी, longitudinal valley जो है लंबवत घाटी, इन्हीं लंबवत घाटी को अगर हम लोग देखें तो इन्हें द्वार कहा जाता है, यानी इन्हें द्वार कहा जाता है जिसको ये बोलते हैं, और इन्हीं को दून कहते हैं। दून और द्वार इन नाम दिया जाता है उत्तराखंड के। और अगर आप देखो तो ये मध्य हिमालय की एक खासियत है, एक इसका है मध्य हिमालय की प्रमुख खासियत है। तो इस आधार पे अगर आप पहले कथन को देखो कि द्वार उत्तर पूर्वी भारत पूर्वी हिमालय के बाढ़ का मैदान, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में नहीं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, और ये बाढ़ का मैदान नहीं है बल्कि ये क्या है, लंबवत घाटियां हैं, यानी ये बाढ़ के मैदान नहीं बल्कि लंबवत घाटियां हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज का एग्जाम्पल है। तो ऐसी स्थिति आपका ये जो पहला कथन है, पहला कथन गलत है, स्टेट। आप सभी लोग इन प्रश्नों का सही जवाब देने की, जल्दी से सभी लोग अपने प्रश्नों का भी सही जवाब देने की, कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है, ठीक है। आंसर आपको देना है, आंसर गलत होगा या सही होगा उसके आपको जजमेंट देना है, आपको अपने हिसाब से सभी कथनों पर विचार करना है। और आपको जो लगता है कि हाँ ये कथन, क्या ये कथन गलत है, कथन गलत है तो कारण क्या है, क्या रीजन है, और कथन सही है तो उसका आधार क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और इन आधार पर आपको इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन आपका गलत हो गया। इस आधार पर अगर आप देखो जहां जहां पर पहला कथन है वो तो आपका ऑप्शन ही जाएगा, तो दो ऑप्शन आपने हटा दिया है, ए और सी। जिन लोगों ने ए और सी रिप्लाई किया हो वो का आंसर सही नहीं है, ठीक है। अब बचा क्या, बी और डी में। द्वार स्थलाकृतियों का उपयोग विशेषकर चाय बगान लगाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पर देखो कि जो घाटियां होती हैं, घाटियां तो इनमें आपको पता है कि जो चाय के बगान होते हैं, चाय की फसल, वो घाटियों में उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि चाय की जो फसल होती है, उस चाय की फसल को जल की आवश्यकता अधिक होती है, और जल की आवश्यकता अधिक होने के साथ साथ में वहां पे उनकी जड़ों में जल का रुकावट भी नहीं होती, यानी चाय की फसल जल जो है वो रुकना नहीं चाहिए बल्कि जल प्रवाहित हो जाना चाहिए। तो पत्तियों को जल की आवश्यकता अधिक होती है लेकिन जड़ों को जल की आवश्यकता नहीं होती है, और इसलिए इन चाय की ढलान फसलों, ढलान संरचना पे या ढलान स्थलाकृतियों लगाया जाता है, स्लोपी स्ट्रक्चर पे या स्लोपी को बनाया जाता है, लगाया जाता है। स्टेटमेंट करेक्ट। और यहाँ पर आप देखो उपयोग इनका चाय के बगान को लगाने में किया जाता है, लेकिन अगर यहीं पर स्टेट होता
सिर्फ चाय की बगान यहीं पर लगती हैं तो गलत हो जाता, क्योंकि चाय की बगान अन्य क्षेत्रों में, लेकिन उसके आधार पे सही जवाब। तो पहला प्रश्न आपने देखा, अब हम लोग बढ़ते अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या दो जो है इसको आपको देखना है। एक तरफ आपको विशेषताएं दी गई और दूसरी तरफ चोटियों की तरफ चोटी। आई होप आपको यहाँ सारे ऑप्शंस, इन प्रश्नों को आपको देखना है और फिर इनका सही जवाब देना। जैसे आप देखो निम्नलिखित को सुमेलित में को सुमेलित की को आपको मिलाना है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सब, कौन सी मैच हो, यानी आपको पता होगा कि भारत की सबसे कौन सी है और दुनिया की सबसे सभी लोग रिप्लाई करो आंसर। देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो इसको तुरंत इंग्लिश में जाके देखना, हाईएस्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, और आपको पता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट के, ये 8611 मीटर, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में ये माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरे नंबर पे आती है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये स्थित कहां पर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जिसको आप पीओके कहते हो, तो ये पीओके में स्थित है, तो ये अभी वर्तमान में भारत में नहीं है, यह है कहां पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं कह सकते आप, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो पीओके में है, लेकिन ये पीओके में है, भारत की तो है लेकिन भारत में नहीं है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, और इस माउंट केटविन केटू का ही नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, यानी इसका नाम जो है वो गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन है वो माउंट केटू का ही नाम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन, या जिसका दूसरा नाम क्या है, माउंट, दूसरा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा आप सभी लोगों को पता है, सतपुड़ा एक लॉक पर्वत का उदाहरण है, सतपुड़ा क्या है, सतपुड़ा एक लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसका अधिकांश क्षेत्र कहां पर है, मध्य, यानी जिसका अधिकांश क्षेत्र कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और सतपुड़ा पर एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, और ये जो धूपगढ़ है पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची, यानी ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है ये, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची है ये, तो एमपी की सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पर रखना है, एमपी की, ठीक है, एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और साथ ही साथ में ये सतपुड़ा रेंज की भी सबसे ऊंची है धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। तीसरा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा, दोदाबेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही साथ में ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, दोदाबेटा, क्वेश्चन में चाहे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची है या नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, दोनों क्या होगी, दोदाबेटा। नीलगिरी पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में मिलते हैं, और नीलगिरी पर्वत अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्वत है जहां पर कृषि में चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन किया जा सकता है, और नीलगिरी पर्वत पे एक जनजाति पाई जाती है, वो जनजाति कौन सी है उसको आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ऑफलाइन कमेंट में, कि कौन सी जनजाति है जो कि पर्वत पे पाई जाती है और उसकी खासियत क्या है, क्यों वो जनजाति प्रसिद्ध होती है, आपको बताना है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है, और दक्षिण भारत की जो है उसका नाम है अनाई मुडी, उसका नाम क्या है, अनाई, और ये अन्नामलाई चोटी पर्वत पर स्थित है। अनाई मुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, यानी अनाई मुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं पर दोदाबेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची,
और ये दोनों चोटियां, यानी अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों चोटी पश्चिमी घाट में है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट में। तो घाट की सबसे ऊंची अगर पूछा जाए तो भी क्या होगा? अनाई मुड़ी। और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। तो दोदा बेटा तीन तरीके से पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट नील दोदा बेटा से संबंधित, और इन तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना। तो ऐसी स्थिति इसका जो आंसर होगा क्या होगा? फोर। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची है सैडल पीक, यानी क्या है? सैडल पीक। और ये सैडल है SADDLE। ठीक है, इसको कई बार हिंदी में अगर यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया जाए तो सैंडल हो जाता है। एक बार एग्जामिनेशन में भी सैंडल पूछ लिया गया था, सैंडल चोटी को लोग लेके बहुत कंफ्यूज हुए। सैंडल चोटी नहीं, ये सैडल चोटी है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची। तो आप यहाँ पर देखो ये का जो है वो सी है। ठीक है, तो ए का टू का वन का फोर और डी का तो 2143 143 जहां पर है वो आंसर होगा, और डी आपका, ठीक है, डी क्या होगा इसका? आप सभी लोगों को अगला क्वेश्चन, अगर आप देखो अगला क्वेश्चन अरबियन प्रायद्वीप अरबियन द्वीपों से है, यानी अरब सागर में उपस्थित जो, ठीक है, और उनमें भी आपको बताना है कि इनमें से लिखित में से कौन सा कथन अरब सागर के द्वीपों सही नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं, इसका मतलब तीन कथन सही, एक कथन कोई ऐसा है जो गलत है। कथनों को आपको देख, अरब सागर के द्वीपों का निर्माण मूंगे से हुआ है और ये मूंगे से घिरे। दूसरा, न्यू मेउर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर के द्वीप है। तीसरा, कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह के द्वीप करता है। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप अंडमान द्वीप में समूह में ज्वालामुखी के दो द्वीप हैं। अब इनमें कौन सा कथन गलत है, यानी विच इज रॉन्ग और नॉट करेक्ट, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या कथन गलत है। देखते हैं, देखो आप सभी लोग जब पढ़ते होंगे लक्षद्वीप, इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन, ठीक है, एक बार इंग्लिश में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट टू द आइलैंड ऑफ द अरेबियन, ठीक है, अरेबियन सी के रिस्पेक्ट में कौन सा आइलैंड सही? द आइलैंड ऑफ द अरेबियन सी आर मेड ऑफ द कोरल्स एंड द सराउंडेड बाई द कोरल्स। न्यू मूर आइलैंड एंड द लोथियन आइलैंड आर द आइलैंड इन द अरेबियन सी। द कोको चैनल आर सेपरेट द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द आइलैंड ऑफ द म्यांमार। नारकोंडम आइलैंड एंड द बैरन आइलैंड आर द टू वोल्केनिक आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार, विच आर द इनकरेक्ट और द विच आर नॉट करेक्ट। फर्स्ट, लक्षद्वीप के बारे में जब भी आप पढ़ते होंगे तो लक्षद्वीप के बारे में आपने कहीं पढ़ा होगा प्रवाल द्वीप, यानी एक इसका उदाहरण है प्रवाल द्वीप। प्रवाल क्या होता है कि एक है क्योंकि एक शैवाल के साथ में सहजीवी पाया जाता है, और जब ये प्रवाल के जीव मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर की जो ढांचा होती है, जो अस्थि होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और वो इकट्ठा होकर के एक द्वीप का निर्माण कर देता है, और ऐसे प्रवाल द्वीप का है। लक्षद्वीप समूह उसी का एक उदाहरण, ठीक है, यह उसी का एक एग्जाम्पल है। तो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, और जो द्वीप प्रवाल से बने होंगे तो उनके आसपास में द्वीप प्रवाल पाए जाएंगे, साथ ही साथ में मालदीप भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। तो लक्षद्वीप, मालदीप, ये सब क्या है? प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। तो पहला कथन तो हमारा सही है। यहाँ पर मूंगे का मतलब क्या हुआ? कोरल से, यानी मूंगे की जगह आपको यहाँ पर प्रवाल शब्द भी, ठीक है, तो प्रवाल या मूंगा दोनों का मतलब क्या होगा? कोरल, इंग्लिश में कोरल कहते हैं। पहला कथन तो हमारा पूरी तरह सत्य, पहला कथन तो पूरी तरह, और हमें असत्य ढूंढना है तो पहला कथन आंसर नहीं है, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है, और जब गलत ढूंढना है तो गलत कौन सा है इसको देखो। न्यू मेउर द्वीप, आप सभी लोगों ने जब भी कभी भी बांग्लादेश से संबंधित, जब इंडिया बांग्लादेश का संबंध आप पढ़ते हो तो इंडिया बांग्लादेश के संबंध में जो विवाद के मुद्दे हैं, विवाद के मुद्दों में आपको बात समूह बात भी हमेशा पढ़ा होगा। हालांकि वर्तमान में न्यू मेउर द्वीप
तरीके से डूब चुका है, तो अब वो द्वीप ही नहीं रहा, तो विवाद किस बात का, लेकिन लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा खासा विवाद पहले रहता था, अच्छा खासा विवाद इसमें हुआ था। अब ये बांग्लादेश के बीच में, और आपको पता है कि बांग्लादेश की स्थिति है बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है, यानी कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी जो है उसकी तरफ है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता हो गया क्यों मूर द्वीप तो हमारा बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में, तो ये अरब सागर का द्वीप नहीं है। इतने से ही आप इसको ये मान लोगे कि स्टेटमेंट हमारा गलत है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, और इस रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा गलत हो। कोको चैनल, ठीक है, जब आप देखते हो तो यहाँ पर कोको चैनल, आप सभी लोगों ने यह पढ़ा होगा, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री और कोको चैनल, यानी यहाँ पर आपने देखा होगा कोको चैनल, कोको सी, कोको चैनल, तो कोको चैनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कोको चैनल के आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार के द्वीपों से पृथक करता है, कोको चैनल जो है वो अंडमान द्वीप को म्यांमार के द्वीप अलग करता है, ये बात सही, बात क्या है, ये बात कोको चैनल अंडमान निकोबार को भारत के जो है अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल दोनों का संबंध अरब सागर यानी लक्षद्वीप, और 10 डिग्री का चैनल का संबंध अंडमान निकोबार से है, अंडमान निकोबार। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप का जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है लक्षद्वीप का कॉय, इस मिनी कॉय लक्षद्वीप का, ये मिनी कॉय है, हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप भारत है, लक्षद्वीप को अलग करता है, ये करता है मालदीव, अलग करता है किसको, भारत को मालदीव से 8 डिग्री चैनल, या मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल, या लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल। तो जब हम किसी देश के संबंध में बात करेंगे तो वो भारत के संबंध, ठीक है, तो अगर आपसे कोई बताओ भारत और मालदीव को कौन अलग करता है, भारत और मालदीव को कौन अलग करेगा, 8 डिग्री, ठीक है, और मालदीव के कौन से, लक्षद्वीप के कौन से हिस्से को, भारत का कौन सा हिस्सा है वहां पे, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का भी कौन सा हिस्सा है, मिनिकॉय, मिनिकॉय मालदीप हो जाए तो भी सही होगा, अगर लक्षद्वीप मालदीप होगा तो भी सही होगा, और भारत और मालदीप होगा तो भी सही होगा, ठीक है, तो ऐसे स्थिति, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। फिर होता है 9 डिग्री चैनल, और ये सब उत्तरी चैनल है, क्या उत्तरी, 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, निकॉय को हुई, निकॉय का वो हिस्सा, लक्षद्वीप का एक हिस्सा है, निकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करने वाला 8 डिग्री, और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री में निकॉय और मालदीव, और मालदीव ये भी कथन। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप दोनों अंडमान निकोबार द्वीप भाग है, जिसमें नारकोंडम द्वीप जो है वहां पर जो ज्वालामुखी है अवस्था में डोरमेंट कंडीशन, और ये अभी डोरमेंट कंडीशन का मतलब अभी मैं समझाता हूँ आपको, और बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण, वहां पर अभी हवा का उद्गार हो रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिव वोल्केनो का ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब यहाँ पर आप देखो कि दोनों में क्या अंतर है, सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होती है जिसमें हाल फिलहाल में लावा का या मैग्मा का उद्गार हो रहा है उसको, और प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होती है जिसमें हाल फिलहाल में मैग्मा का उद्गार नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकता है, तो हम लोग ज्वालामुखी का वोल्केनो, ये डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है हमारा सही, और दोनों ज्वालामुखी, तो हमारा जो गलत स्टेटमेंट आया वो कौन सा, और इसके आधार पे आपका जो सही जवाब होगा वो इज द क्वेश्चन नंबर 4। सह्याद्री या पश्चिमी घाट, सह्याद्री या पश्चिमी के संबंध में कौन सा कथन सही, इसका विस्तार उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी तक है, उस राज्य का पश्चिमी ढाल तीव्र तथा खड़ा, पूर्वी ढाल मंद एवं सीधा, ठीक है, ये
यह प्रायद्वीपी भारत के वास्तविक जल विभाजन का कार्य करता है। नीलगिरी के समीप यह पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वत। अब इनमें से आपको बताना है कि जवाब दो तो ऐसे को जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न पश्चिमी घाट को अगर आप देखो, पश्चिमी घाट है वो हमारे ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही। वास्तव में हुआ क्या कि जो हमारा अरब सागर का क्षेत्र है, ऐसे समझो आप, अरब सागर का क्षेत्र है और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये दोनों कभी आपस में एक साथ ऐसे जुड़े हुए थे। और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे तो इनमें टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से एक हिस्सा नीचे की तरफ खिसका तो दूसरा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ गया तो जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ये ऊपर की तरफ गया और इसका एक किनारा यानी ये ऊपर की तरफ होकर के और इस तरीके से ऐसे झुक, तो इधर वाला भाग जो है बिल्कुल खड़ा है, इधर वाला भाग को जो है बिल्कुल स्क्रैप्ड यानी स्ट्रेट, और इधर वाला भाग जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जो जल थे वो जल का जब प्रवाह हुआ तो ये पश्चिमी घाट कुछ इस तरीके से दिखाई। एक जो पश्चिमी क्षेत्र है वो बिल्कुल स्क्रैप एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, और दूसरा जो है ये क्या है, स्टेयर लाइक संरचना, यानी ये कैसी है, स्टेयर लाइक संरचना। स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ सीढ़ी, इसको आप ये कह सकते हो उर्मिल, उर्मिल का मतलब यहाँ पर होता है अनइवन, स्टेयर लाइक संरचना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ प्रायद्वीपीय पठार पर जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को अगर आप देखो यहाँ पर है हमारी तापी नदी, ये हमारी है तापी नदी, और यहाँ पर अगर आप देखो ये है हमारा केप कैमोरी, यहाँ से लेकर के इस तरफ दिखाई पड़ता है, और इसे यहाँ पर जब बारिश होती है तो सबसे पहले होती है, और इसीलिए कन्नड़ भाषा में जहाँ पर पहले बारिश होती है इसको सह्याद्री भी, सह्याद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि का प्रभाव सबसे पहले, दैट इज व्हाई दिस कॉल्ड अस। ठीक है, ये इसको तो तापी रिवर यहाँ से लेकर जहाँ तक इस कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन कुमारी को के, और साथ ही साथ में आप देखो जैसे इधर पश्चिमी घाट है वैसे पूर्वी तरफ और पूर्वी घाट आकर के यहाँ पश्चिमी घाट, इस जंक्शन को या इस पर्वत ग्रंथ कहा जाता है नील। यहाँ पर एक पर्वत है जिसको ये जो जंक्शन एरिया है नील। ठीक है, अब आप देखो यहाँ अगर स्टेट तो इसका विस्तार उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप, यानी कुमारी अंतरद्वीप का मतलब कन्याकुमारी, यहाँ पर कुमारी अंतरद्वीप का मतलब आपको क्या ध्यान रखना, कुमारी अंतरद्वीप मतलब यहाँ पर या कैमोरिन, कैमोरिन या केप कैमोरिन या कन्याकुमारी कुछ भी आपको मिले। पहला कथन तो आपको सही लग रहा है। दूसरा कथन, इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़, तो आप ये देखो डायग्राम को देखो, डायग्राम में भी तो ये दिख रहा है कि जो इसका पश्चिम ढाल है इस तरीके से और पूर्वी ढाल कुछ इस तरीके से, पश्चिमी और पूर्वी, तो आपको यहाँ पर देखना है पश्चिमी ढाल तीव्र है और खड़ा है जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ा है। ये कथन
दोनों कथन सही। तीसरे को देखो, यह प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविक जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का मतलब होता है कि जो दो अलग अलग प्रकार की नदी अलग करने का कार्य करता है। जल विभाजक का मतलब होता है जो नदी तंत्रों में बंटवारा करता है, रिवर सिस्टम में बंटवारा करता है। रिवर सिस्टम क्या होता है, ये आपको रिवर्स या ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने को मिलता है। रिवर सिस्टम का मतलब होता है कि किसी एक मुख्य नदी और उसकी सभी सहायक नदियों द्वारा जो एक संरचना या एक सिस्टम बनता है नदियों का, उसी को रिवर सिस्टम। ठीक है, तो नदी तंत्र, नदी घाटी और नदी द्रोणी या नदी घाटी, और साथ ही साथ में रिवर पैटर्न, नदी, ये तीनों अलग अलग संरचना यानी अवधारणाएं होती हैं। तो अवधारणाओं को आपको, तो ये प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविक जल विभाजक का कार्य, ये थोड़ा सा आपको स्टार मार्क करना चाहूँ वास्तव में ये। अब चौथे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। नीलगिरी के समीप ये पूर्वी एक पर्वत ग्रंथि है, यानी आप यहाँ पर देखो नीलगिरी के पास में ये करके एक पर्वत ग्रंथि का निर्माण करता है। एग्जैक्टली ठीक है, यहाँ पर पर्वत ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब क्या होता है, गांठ या जोड़, जुड़ाव। ठीक है, अब देखो इनमें से पर्वत ग्रंथि का निर्माण करता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, पर्वत ग्रंथि का। अब ये वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविक जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक को अगर देखा तो ये वास्तविक जल विभाजक का कार्य कर रहा है। ठीक है, वास्तव में अगर देखा जाए तो इधर से इधर नदियां, इधर से इधर, इधर की नदियां कुछ है छोटी नदी और इस साइड की नदी, तो वास्तविक जल विभाजक। और यहाँ पर अगर सीधा सा शब्द पश्चिमी घाट जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का एक जल विभाजक है। ठीक है, तो जल विभाजक होता तो पूरी तरीके से माना जाता, लेकिन वास्तविक जल विभाजक है इस बात को लेकर के डाउट है। डाउट का मतलब क्या होता है कि ये वास्तविक तक माना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो गलत ही नहीं, सारे स्टेट क्वेश्चन ही, और ये क्वेश्चन जानबूझ कर लिखा है, जानबूझ के लिखा गया है। यहाँ पे कौन सा नहीं है, और अगर ये कर दिया जाए कथन सही तो इसका तब इसका आंसर क्या होगा, समझ रहे। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है, जरूरी सूचना आप सभी लोगों कि इस दिवाली में आप लोगों के लिए एग्जामपुर एक विशेष उपहार लेकर एग्जामपुर के कोर्स आपको 70% ठीक है, यानी 75% का डिस्काउंट एग्जामपुर के जितने भी कोर्सेज हैं एग्जामपुर के, तो 75% देगा। और आपको ये डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन, और ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहाँ पे है, जब आप कोर्स परचेज करो, कोर्स परचेज करने के बाद दौरान आपको कोड का यूज करना, दिवाली बत दिवाली 70, यानी जब आप इस कोड का यूज करो दिवाली 70, दिवाली 70 का यूज करने बाद आपको वहाँ 5% आपको एप्लीकेशन पर जाकर के डाउनलोड करना। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के आपके पास में एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जाकर के तो इस कोड का यूज कर 75% आप यहां पर अवेल कर सकते हैं। 25% कोर्सेज में जो कोर्सेज, ठीक है, तो अपने अपने सब्जेक्ट में अगर आप ISP से, अगर आप देखो तो ISP से बैचेज है, एक बैच है जिसमें बैच सर्वोदय बैच, एक दूसरा NCERT मंत्रा, NCERT का बैच, NCERT मंत्रा बैच, और साथ ही साथ आपके वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय है तो आपके वैकल्पिक विषय हैं यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आपको 5% उस 75% डिस्काउंट का फायदा जरूर उठाइए। बैच को कोड का यूज करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जा करके ISP बैचेस को और वहां पर कोड का वो अप्लाई करिए, अप्लाई करिए,
नॉमिनल फीमेल बहुत ही कम, और ये ऑफर सिर्फ आपके लिए 27 अक्टूबर तक वैलिड है, यानी कब तक है, सिर्फ 27 अक्टूबर, यानी आपको अगर 27 अक्टूबर तक ये लेना है, रात में 12 बजे तक आपको 27 अक्टूबर तक आप ले लेते हो तो ये कोर्स वैलिड होगा, गुड है वो वैलिड नहीं, तो आप सभी लोगों को फायदा और तुरंत जाकर के। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें कि पूर्वी व पश्चिमी हिमालय के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन अब बताओ, पश्चिमी हिमालय चौड़ा है और श्रेणियों में विभक्त है, पूर्वी हिमालय की एक श्रेणी महान हिमालय के रूप गंगा पर्वत और नंदा देवी पश्चिमी हिमालय के, जबकि पूर्वी हिमालय में कंचनजंगा व नामचा बारवा है, पश्चिमी हिमालय में हिमालय की औसत वार्षिक अधिक होती है, आपको यहाँ पर चुनाव करना है। कथन है पश्चिमी हिमालय चौड़ा है और श्रेणियों में विभक्त है, पूर्वी हिमालय के एक श्रेणी महान हिमालय के रूप, ठीक है, गंगा पर्वत व नंदा देवी पश्चिमी हिमालय के प्रमुख, ठीक है, जबकि पूर्वी हिमालय में कंचनजंगा नामचा बारवा है, पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में औसत वार्षिक वर्षा अधिक, हिमालय को जब आप देखते हो हिमालय का एक्सटेंशन तरीके से आपको देखेंगे, और यहाँ पर आपको श्रेणी विभक्त दिखाई, तो पश्चिमी हिमालय अगर देखा जाए इसको हिमालय माना जाए, पश्चिमी हिमालय चौड़ा है कि नहीं, चौड़ाई ज्यादा है, पश्चिमी हिमालय चौड़ा है बात सच है, ज्यादा है, पूर्वी हिमालय जो है अगर आप इसको चौड़ाई उस ज्यादा नहीं कम चौड़ा है, पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक चौड़ा, तो पश्चिमी हिमालय अगर देखा जाए तो ये विभिन्न विभक्त है, ये भी बात सही है, ये विभिन्न ज्यादा विभक्त है, पहला कथन आपको पूरी ब्रॉड एंड डिवाइडेड इनटू द रेंजेस स्टेट करेक्ट, अ रेंज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इज नोन एज द ग्रेट हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय यानी ईस्टर्न हिमालय की एक रेंज को ग्रेट हिमालय कहते हैं, अब आप देखो ईस्टर्न हिमालय के एक हिमालय कहते हैं भाग को स्टेट, ठीक है, इसको आपको होल्ड पे करना है, और हम इसको अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो चारों में है, यानी टू ऑप्शन आपका चारों में है, तो ये सही है कि गलत है इससे कोई फर्क नहीं है, ये चारों में है और हमें सही निकालना है, तो इसका मतलब इस पे आप ज्यादा दिमाग लगाते कोई मतलब नहीं है, तो ग्रेटर हिमालय तो पूरे की रेंज को पूरी ग्रेटर हिमालय है, अगर आप देखो तो पूरी रेंज ही ग्रेटर हिमालय है, चाहे इसको ईस्टर्न में मान लो चाहे वेस्टर्न में, का ही पार्ट ग्रेटर है, और इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट पे देखें, नंगा पर्वत कहां पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर, नंदा देवी ये कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में, यानी ये जम्मू और ये उत्तराखंड, ठीक, मेजर पीक्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय बिल्कुल बात है, और कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश और चीन कहां पे, अरुणाचल प्रदेश और चीन की, तो ये पूर्वी हिमालय का भाग है, तो अब आप देखो यहाँ पर नंगा पर्वत और नंदा देवी पश्चिमी हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, ये भी बात सही है, अब चौथे को देखें, पश्चिमी हिमालय में
पूर्वी हिमालय की तुलना में औसत वार्षिक वर्षा अधिक होती है। आप देखो कि पश्चिमी हिमालय में नहीं बल्कि पूर्वी हिमालय में, अगर आप देखो ये जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय समुद्र से करीब है, यानी इससे अगर देखा जाए तो समुद्र से कम, समुद्र से कम है और साथ ही साथ में मध्य रेखा के समीप पश्चिमी की तुलना में। तो यहाँ पर वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा पश्चिमी और हिमालय की तुलना में अधिक होती है ना कि कम होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पश्चिमी हिमालय में, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कम होती है। और औसत वार्षिक वर्षा कम क्यों होती है, तो क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा से दूर और समुद्र से दूर है, यानी भूमध्य रेखा और समुद्र से अधिक दूर। जैसे भूमध्य रेखा एवं समुद्र से अधिक दूर, जैसे यहाँ पर वर्षा कम होती और समुद्र से दूरी कम और भूमध्य रेखा के समीप होने की वजह से यहाँ पर वर्षा तुलनात्मक रूप से अधिक होती। तो पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है ना कि पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है। तो चौथा स्टेट आपका गलत है, फोर्थ स्टेट रॉन्ग स्टेट और फोर्थ गलत है। तो करेक्ट आंसर यहां तक की बात आप सभी लोगों को, आई होप आपको सभी लोगों को यहां तक की बातें समझ में। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, क्या करिए, दिवाली मनाइए। दिवाली जो है वो मेरे हिसाब से आपको एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके दिवाली मनाना चाहिए। बात को बहुत नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, एनवायरमेंट को कई बार होता है कि हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, बट उसको नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिवली आपको चीजों करके और इको फ्रेंडली। ठीक है, त्योहार का मतलब प्यार को बढ़ाना होता है ना कि हेट। तो इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, दिवाली अच्छी हम लोग अपने पास में।